अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव की इन्वॉल्वमेंट हो या वो डेरिवेटिव को कंटेन करती हो इक्वेशन, तो हम उसको कह देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट्स नेम शोज, वी हैव टू टेक द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट्स इक्वेशन विच कंटेन बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देख रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैंने बोला वो डिपेंड करेगी वाई के ऊपर, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसमें एक्स होगा। इधर हमने जो एग्जांपल ली है इसकी, इसमें वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब साथ साथ ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। ऑर्डर जो होता है इक्वेशन का वो होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन इक्वेशन। अब मैक्सिमम डेरिवेटिव इसमें कितना है? वो वन टाइम है, ठीक है। अगर सेकंड टाइम होता या फिर टू टाइम्स हमने वाई का डेरिवेटिव लिया होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे मैंने इधर एग्जांपल ली है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आगे कुछ भी हो सकती है इक्वेशन, तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात आ जाती है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं जिसमें हम मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। जैसे कि हमारे पास इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट जो u है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यू एट द सेम टाइम डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर भी और वाई के ऊपर भी, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लें किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई और एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये सेकेंड वाली जो मैंने एग्जाम्पल ली है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हमने बात कर ली ना ऑर्डर की, हमने बात कर ली कि इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना है। इस इक्वेशन में ऑर्डर जो है वो टू है, ठीक है। जो सेकंड की लास्ट एग्जांपल ली है मैंने, इसमें ऑर्डर है सेकंड, क्योंकि हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव बोला है इक्वेशन में जो होगा वो ऑर्डर होगा। तो लेकिन जो डिग्री है वो क्या होगी इक्वेशन की? डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो उसकी जितनी भी एक्सपोनेंशियल पावर हो, ठीक है। जैसे कि इसमें एक्सपोनेंशियल मैंने ब्लैक मार्कर से इसे हाईलाइट किया है, इसकी कितनी डिग्री बनती है हायर डेरिवेटिव की? वन बनती है ना, तो इसका जो हमारे पास डिग्री आएगा वो वन आएगी। सिमिलरली आप ऊपर वाली एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो ऑर्डर था वो वन था, और अगर हम इसकी डिग्री फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो कितनी होगी? वो भी वन ही होगी, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल पावर में कितना आ रहा है? जस्ट वन टाइम जा रहा है।